नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लांट पैथोलॉजी। तो जैसे कि हमने प्लांट पैथोलॉजी का जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए एक पब्लिकली वीडियो बनाया था, तो उसको हम आपको उपलब्ध करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन उसकी हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो उसमें आपको कंप्लीट क्या कह सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी की जो कंप्लीट हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के बारे में, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बैक्टीरिया, फिर क्या नाम का फंगस, क्योंकि फंगस जो होता है फंजाई के बारे में ज़्यादा डीपली, ज़्यादा उसके जो है 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो तक बनना होगा, तो इसलिए सबसे पहले वायरस। तो वायरस जानने से पहले ये जान लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी होता क्या है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी कह सकते हैं कि इसमें प्लांट और पैथोलॉजी अर्थात पैथोन धन लॉगस 3 चीज़ें हैं। तो कह सकते हैं कि प्लांट पे जो भी डिजीजेज लगते हैं उनकी क्या काजेज हैं और उनकी क्या इटियोलॉजी होती है, उनकी क्या सिम्टम कह सकते हैं होते हैं, उसके अलावा उनके रिजल्ट से अर्थात तो उनके इन्फेक्शन की वजह से क्या रिजल्ट होता है प्लांट पे, और उसके कंट्रोल मीजर, ये चारों चीज़ें आपकी प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। अर्थात हम प्लांट पैथोलॉजी में काजेज के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा हम उसके जो है इटियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलावा हम उसके जो है क्या इन्फेक्शन करता है अर्थात क्या रिजल्ट मिलता है इन्फेक्शन के बाद उसके बारे में, और उसका हम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें जानना है कि प्लांट पैथोलॉजी में आपका जो कंट्रोल होता है वो प्लांट पैथोलॉजी का ही भाग है। तो अब हम बात करेंगे वायरस के। तो वायरस, जैसा कि वायरस अर्थात ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो पॉइजन, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं पॉइजन। तो वायरस जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन होता है अर्थात न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका आरएनए प्लस डीएनए, अर्थात आरएनए प्लस डीएनए न्यूक्लिक एसिड में आएगा और क्या होगा प्रोटीन। तो वायरस में क्या होता है कि ओनली वन अर्थात आइदर आरएनए आर डीएनए इज सराउंडेड बाय प्रोटीन लेयर, अर्थात वो प्रोटीन की परत के साथ जो है, प्रोटीन की कोट के साथ कहेंगे कि प्रोटीन का जो कोट होता है वो आरएनए या डीएनए के सराउंड होता है। तो उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, ये इस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, वायरस बोलते हैं। तो वायरस कह सकते हैं कि एक पार्टिकल है जो कि माइन्यूट पैकेज का, जो कि डीएनए या आरएनए। तो इसमें मेन चीज ये जाननी है कि वायरस में कभी भी डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं, और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डीएनए या आरएनए कभी भी नहीं पाए जाएंगे, या तो डीएनए और उसके सराउंड जो है वो आपका प्रोटीन कोट होगा, या तो आरएनए होगा और उसके सराउंड आपका प्रोटीन कोट उपलब्ध होता है। तो ये हो गया आपका वायरस का डिफिनीशन, वायरस के बारे में आपने जान लिया। अब वायरस की कह सकते हैं कि वायरस के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो जो साइंस की ब्रांच है उसको हम क्या बोलेंगे, वायरोलॉजी। तो जिसके अंतर्गत मतलब कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के प्लांट पैथोलॉजी की जिस ब्रांच के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है वो आपका वायरोलॉजी कहलाएगा। तो ये चीज़ें हो गई वायरोलॉजी, तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये चीज़ें आपको जानना है कि आर एन ए प्लस प्रोटीन या डी एन ए प्लस प्रोटीन, वैसे ये कॉमन है। अब हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं, हिस्ट्री आपका वायरस के क्या है। तो फर्स्ट टाइम टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्क्राइब बाय मेयर, अर्थात फर्स्ट टाइम तो मेयर ने इसको बारे में, टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब, ना कि वायरस के बारे में, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया अर्थात डिस्क्राइब किया 1886 में, और किसने किया, मेयर ने। लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि टोबैको में ये जो मोज़ेक लग रहा है, जो सिम्टम बन रहा है, वो किसकी वजह से, अर्थात तो उसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके बारे में वो नहीं जान पाए। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वायरस अर्थात डिस्कवर्ड बाय रशियन बॉटनिस्ट, अर्थात रशियन के एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने वायरस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया, और ये क्या थे, इवान
नोवास की। तो ये पूछा जाता है कभी कभी, इन्होंने क्या है, काजल आर्गेनियम टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको मोज़ेक वायरस था जिसको मेयर ने पहले ही जान लिया था, लेकिन वो काजल आर्गेनिज को नहीं जान पाए थे, मतलब उसको काजल आर्गेनिज को डिस्कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन उसको किसी ने डिस्कवर किया, इवानोस्की ने किया। तो ये क्या नाम का हो जाएगा कि इसको किसी ने किया, तो ये आपको याद रखना है, रशियन जो बॉटनिस्ट हैं इवानोस्की। तो अब उसके बाद वायरस टर्म किसने दिया, तो डिस्कवर किसने किया, ये हो गए, और वायरस टर्म कितने दिया, तो वेजरिंग, तो ये आपका वायरस टर्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वायरस टर्म गिवन बाई, चार ऑप्शन दे दिए जाएगा कि या वायरस डिस्कवर्ड बाई, या काजल आर्गेनिज ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस डिस्कवर्ड बाई, तो इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। उसके अलावा है पोलियो वायरस, जो कि पोलियो फैलाता है, तो पोलियो वायरस डिस्कवर्ड बाई कार्ल लाइनस्टीनर इन 1898। मुझे जहाँ तक याद है कि इसका मैंने एक पब्लिकली वीडियो डाला है, लेकिन फिर भी हम पूरा आज वायरस के बारे में देखेंगे। उसके अलावा है बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, इसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। ये बैक्टीरियोफेज अर्थात रिप्रोडक्शन इन वायरस जो होता है, वो बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। तो इसको डी हेरल ने 1917 में दिया था, तो ये डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है, बैक्टीरियोफेज डिस्कवर्ड बाय, तो डी हेरल, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा ये क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, अर्थात सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइन किसने किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को, उसको किया था स्टेनले ने, और कब किया था, 1935 में, और इसी वर्क के लिए इन्हें 1946 में नोबेल प्राइज मिला था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। 1946 में इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, और किसके लिए मिला, इन्होंने जो है 1935 में टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइन किया था। उसके अलावा है ये ला मोंटगेनियर हैं, उसके अलावा ये हैं, इन्होंने एड्स वायरस को जो है 1984 में डिस्कवर किया था, रॉबर्ट गैलो, तो इन्होंने एड्स वायरस को फर्स्ट टाइम 1984 में डिस्कवर किया। तो ये इसकी हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, जो वायरस से डायरेक्ट कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। उसके अलावा कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर से भी, वायरस के कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट, और ये जानना भी चाहिए कि वायरस का कैरेक्टर, कैरेक्टर अर्थात लक्षण, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वायरस है, तो फर्स्ट थिंग कि वायरस ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक अर्थात ये सूक्ष्म होते हैं, और नॉन सेलुलर अर्थात ये क्या होते हैं, सेलुलर नहीं होते, और इन्फेक्शियस पार्टिकल, ये इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं, अर्थात ये इन्फेक्शन, अर्थात वायरस का जो अटैक होता है वो इन्फेक्शन, अर्थात एक पौधे से दूसरे पौधे में वो क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं, किसीलिए वायरल जो डिजीजेज होती हैं प्लांट में, उनको ये कहा जाता है कि पौधे जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम कटिंग कर दें, रिमूव कर दें, और अंदर मिट्टी में दबा दें, या रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करें। उसके अलावा क्या है, दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन वही कॉन्सेप्ट हो गया, न्यूक्लिक एसिड धन प्रोटीन अर्थात आरएनए डीएनए, और दे आर आरएनए आर डीएनए, अर्थात ये या तो आरएनए होंगे या डीएनए होंगे, वो हो सकता है कि डबल स्टैंडर्ड हो या सिंगल स्टैंडर्ड हो, लेकिन डीएनए प्लस आरएनए एक साथ नहीं होते हैं, और दे आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, तो ऑब्लिगेट जो होता है वो 100% जो है जीवित जीव पे ही से ही अपना भोजन लेते हैं, अपनी लाइफ साइकिल जो होती है पूरी वो जीवित जीव पे ही, पैरासाइट के रूप में लिविंग ऑर्गेनिज पे ही डिपेंड होते हैं, और दे आर हाइलोपैथोजेनिक, हाइली पैथोजेनिक अर्थात ये इन्फेक्शियस होते हैं, और ये बहुत तेज़ी से, और दे आर क्रिस्टलाइन नेचर, ये तो टोबैको उसका हो गया, दे आर लाइक अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल्स, तो ये भी है क्योंकि वायरस जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होने की वजह से 70 इस टाइप के राइबोसोम्स, इस तरीके की माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ये तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के भी हो गई बातें। उसके बाद दे काजेज इन्फेक्शन इन होस्ट बाय न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से इन्फेक्ट करते हैं, और दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक्स, अर्थात इसीलिए क्या है, वायरस जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स का, इसमें कोई भी कंट्रोल एंटीबायोटिक्स का यूज करते हुए हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वायरस का। बैक्टीरियल डिजीज अगर है तो उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स से, लेकिन वायरल डिजीज का हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जनरल करेक्टर हो गए,
उसके बाद स्ट्रक्चर फीचर्स ऑफ वायरस। तो इसमें अगर हम बात करें स्ट्रक्चर फीचर के बारे में, तो ये एनिमल में जो है लार्जेस्ट जो साइज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनिमल में लार्जेस्ट जो पाया जाता है वो पॉक्स वायरस है। एनिमल में पाया जाने वाला पॉक्स वायरस जो है वो सबसे लार्जेस्ट वायरस है, और फूट एंड माउथ वायरस इज स्मॉलेस्ट। और फूट और, तो ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फूट और माउथ किस में होता है? खुरपका मुंहपका रोग बोलते हैं इसको। तो ये पशुओं में पाया जाता है और ये वायरल डिजीज है, ये पूछा जाता है। और ये क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, कह सकते हैं कि एनिमल का। उसके बाद है आपका शेप की अगर बात की जाए, तो ये स्फेरिकल होते हैं, क्यूबॉइडियल होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं, टेडपोल। टेडपोल टाइप के कौन होता है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कैसा होता है? टेडपोल। तो ये आपको याद रखना है, टेडपोल शेप किसका होता है? बैक्टीरिया मत बैक्टीरियोफेज वायरस का होता है। उसके अलावा रॉड शेप हुआ, तो ये सभी जो हैं शेप हैं, वायरस के शेप हैं। तो इनमें कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और ये भी आपको समझ में, जैसे कि अब वायरस के बारे में आप समझ गए, वायरस के जनरल कैरेक्टर क्या हैं, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक हैं, ये सभी चीज़ें आपको, ये आरएनए या डीएनए होते हैं, बोथ नहीं होते, ये हाईली इन्फेक्शियस हैं। तो ये सभी चीज़ें, तो अब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस कह सकते हैं कि ए वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड वायरियन। अर्थात ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस पार्टिकल के, ए वायरस पार्टिकल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायरियन बोलते हैं। तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वायरियन इज द वायरस पार्टिकल या एक कंप्लीट वायरस, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें वायरस की, जनरल स्ट्रक्चर की, तो इसमें जैसे हमने बताया कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैप्सिड हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाता है कैप्सिड हो गया, और ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए। तो इसमें जैसे कि ये हमने जो एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये हर्प्स वायरस है जो कि एनिमल में पाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका लिपोप्रोटीन, जैसे कि लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन का इनवेलोप, अर्थात कह सकते हैं कि इसके चारों तरफ ढका हुआ होता है जो आपका कैप्सिड होता है, वो किसके द्वारा होता है? लिपिड और प्रोटीन। तो अर्थात वायरस में लिपिड और प्रोटीन भी किसी किसी वायरस में पाए जाते हैं। तो ये आपका कैप्सिड हो गया, कैप्सिड, और इसके अंदर जो है आपका आरएनए या डीएनए, हो सकता है कि डबल स्ट्रैंडेड हो या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो। तो स्ट्रैंडेड, तो ये आपका हो गया डीएनए, तो ये आपका स्पाइक हो जाएगा। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अर्थात संरचना, वायरस की संरचना में क्या पाया जाता है? एक आपका या तो डीएनए या आरएनए पाया जाएगा, और उसकी चारों तरफ आपका कैप्सिड पाया जाता है, और उसके चारों तरफ हो सकता है कि लिपोप्रोटीन इनवेलो भी पाया जाए। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे इसको बताया ही गया कि वायरस इज द न्यूक्लियो प्रोटीन, और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट का बना होता है। तो इसमें जो प्रोटीन कोट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट को ही हम कैप्सिड बोलते हैं। और उसके बाद वायरस इज सराउंडेड लिपिड बाई लेयर आर इनवेल कॉल्ड इनवेलोप, अर्थात लिपिड का बाई लेयर होता है। अर्थात बाई लेयर का मतलब कि देखिए यहाँ दो लेयर है, बाई लेयर, ये दो लेयर की परत पाई जाती है, इसको हम बाई लेयर लिपोड लिपोप्रोटीन इनवेलोप कहते हैं। और जनरली ये भी क्या कहा जाता है कि इट्स कॉल्ड वायरियन, अर्थात इंक्लूडिंग इट्स इनवेलोप, इट्स ए वायरस पार्टिकल इंक्लूडिंग इट्स इनवेलोप इट्स कॉल्ड एज वायरियन। तो ये कंप्लीट जो होता है उसको वायरियन बोला जाता है। और न्यूक्लिक एसिड, अब ये बातें आपको याद रखनी है कि जनरली एक वायरस में न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 6% तक पाई जाती है। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या नाम का आपके वायरस में न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 6% तक पाई जाएगी और कैप्सिड की मात्रा 94% तक, एक जनरली किसी भी वायरस में, ये जनरल एक कॉन्सेप्ट है, पाया जाता है। उसके बाद वायरल जीनोम की बात करेंगे, वायरल जीनोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वायरल जीनोम जो होता है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, वायरल जीनोम क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, ये या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होता, ये सिंगल भी हो सकता है या डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं। अब इसमें जानने योग्य बात यह है इंपॉर्टेंट कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि जनरली एनिमल वायरस कंटेन डीएनए,
अर्थात जो एनिमल वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली डीएनए होते हैं, और एनिमल प्लांट वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली आपका आरएनए होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जो पूछे जाते हैं, और इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि प्लांट वायरस इज कंटेंट आरएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन, इस तरीके के चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये आपको 100% क्लियर कट होना है कि जो एनिमल वायरस होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, और जो प्लांट वायरस होता है वो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। कुछ एक्सेप्शनल जो है कह सकते हैं कि जैसे कि एनिमल वायरस एड्स है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको हम रिट्रो वायरस पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या है ये आरएनए वायरस है, अर्थात इसका जो जीनोम है, वायरल जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है आरएनए है। या इन्फ्लुएंजा है जो कह सकते हैं कि स्नेजिंग, तो इन्फ्लुएंजा जो है वो भी क्या है आपका आरएनए है। तो ये आप कुछ इस कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल है। उसके बाद प्लांट वायरस में जैसे है, तो ये भी कभी पूछा जाता है, जैसे क्वालीफ्लावर मोजेक वायरस, तो क्वालीफ्लावर मोजेक वायरस क्या है, ये डीएनए है ना कि आरएनए। जनरली प्लांट वायरस क्या होते हैं, वो आरएनए होते हैं, लेकिन क्वालीफ्लावर मोजेक वायरस क्या है, वो डीएनए है। या मेज स्ट्रिप वायरस, ये भी आपका आरएनए मतलब कि डीएनए वायरल है। या लीफ कर्ल वायरस, तो लीफ कर्ल वायरस जो है ये भी कभी कभी आपका क्या है कि डीएनए की जगह मतलब कि आरएनए की जगह डीएनए वायरस होता है। तो ये आपको 100% याद रखना है, ये जो एग्जांपल दिया गया है रेट्रो वायरस, इन्फ्लुएंजा, उसके अलावा क्वालीफ्लावर मोजेक वायरस, ये आपके क्या है एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल कह सकते हैं। उसके बाद है वायरल कैप्सिड, तो वायरल कैप्सिड को हम अगर जो ग्रुप ऑफ एक कैप्सिड अर्थात एक केवल सिंगल यूनिट ऑफ कैप्सोमियर, तो कैप्सिड और क्या नाम का अदर यू ग्रुप में हो गया, तो इस तरीके से ये क्या करता है कि कैप्सिड आपके जो प्लांट होता है मतलब कि वायरस होता है, सॉरी जो वायरस है उसको क्या देता है, शेप देता है, अर्थात ये वायरस के एक शेप को निर्धारित करता है, या अर्थात उसकी आकृति जो होती है उसको क्या है आकृति हुआ, आकार हुआ, उसको वो डिटरमाइन करता है। तो कह सकते हैं कि द सब यूनिट पोर्शन इज कॉल्ड कैप्सोमियर, अर्थात जो आपका कैप्सिड होता है, कैप्सिड इज मेड अप आइडेंटिकल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमियर, अर्थात जो कैप्सिड बना होता है ये ग्रुप ऑफ या यूनिट ऑफ कैप्सोमियर, अर्थात ये कैप्सोमियर की एक यूनिट होती है। उसके बाद है वायरल इन्वेलप, तो वायरल इन्वेलप जैसे बाई लेयर होता है, ये आपको पता है, इसमें लिपोप्रोटीन या फैट ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, तो ये फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फास्फोलिपिड बाई लेयर होता है, और स्पाइक ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जो स्पाइक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जो स्पाइक अभी आपको ऊपर दिख रहा था, ये जो स्पाइक है ये आपका क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमियर्स। तो इसको जो स्पाइक होता है उसको हम पेप्लोमियर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया जनरल स्ट्रक्चर। जनरल स्ट्रक्चर में आपने ये जान लिया कि वायरल वायरस जो होता है दो तरीके का हो सकता है, हम इसको डिवाइड भी इसी आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। जैसे आगे देखेंगे तो एनिमल वायरस में डीएनए पाया जाएगा बस, इन्फ्लुएंजा एड्स वायरस और अदर को छोड़ के जो अपवाद स्वरूप है, और प्लांट वायरस में ये आरएनए। तो अकॉर्डिंग टू हेल्मस जो है, उन्होंने 1948 में वायरस को क्लासिफाई किया था, और उन्होंने इसको तीन भागों में, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस और बैक्टीरियल वायरस। तो एनिमल वायरस अर्थात जैसे कि मैन या काऊ, जो भी इनमें जो वायरस है उनको क्या बोलते हैं, एनिमल वायरस। जनरली ये डीएनए होते हैं, इन्फ्लुएंजा और एड्स को छोड़ के। प्लांट वायरस क्या है, दे आर इन्फेक्शियस एंजियोस्पर्म, अर्थात ये एंजियोस्पर्म को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे पोटैटो, टोबैको, शुगर केन। और उसके बाद बैक्टीरियल वायरस, इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियल ये टैडपोल टाइप का होता है। तो ये क्या करते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो होता है, ये वायरस जो होता है बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्टेड करता है बैक्टीरिया, तो इसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो अभी बैक्टीरियोफेज के बारे में। उसके अलावा सेकंड जो क्लासिफिकेशन है इसको हम एलईएचटी बोलते हैं। तो एलईएचटी सिस्टम जो क्लासिफिकेशन दिया गया, उसमें कैप्सिड की सिमेट्री, नंबर ऑफ कैप्सोमियर और न्यूक्लियर इन्वेलोप के प्रेजेंट या एब्सेंटी के आधार पे इसको क्लासिफाइड किया गया है।
तो इसको फाइलम वायरा के अंतर्गत रखा गया है। इसको फाइलम वायरा में दो सब फाइलम, राइबो वायरा अर्थात वायरस विथ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डी ऑक्सी वायरा अर्थात वायरस विथ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए और आरएनए। तो उसके बाद राइबो वायरा को दो क्लास में राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका दो भागों में डिवाइड किया गया है, राइबो हेलिका और राइबो क्यूबिका। राइबो हेलिका में आपका हेलिकल वायरस कंटेनिंग आरएनए और राइबो क्यूबिका में क्यूबिकल वायरस कंटेनिंग आरएनए होते हैं। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में बस ये आपको याद रखना है कि राइबो वायरा डीऑक्सी वायरा, अगर प्लांट साइंस से कोई जेआरपी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए इससे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो जनरली इतना डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके अलावा डीऑक्सीवायरा में डीएनए कंटेन हेलिकल वायरस, डीऑक्सी क्यूबिका हुआ और डाईऑक्सी बिनाला हुआ। तो ये तीन तरीके के, अर्थात आरएनए का जो होता है राइबो वायरा उसको दो, राइबो हेलिका राइबो क्यूबिका, और डीऑक्सी वायरा को डीऑक्सी हेलिका क्यूबिका और डीऑक्सी बिनाला तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम फर्दर इसको डिवाइड किया गया है, इसको जो है जैसे कि इसके अभी हमने इसके क्लास के बारे में बताया, क्लास के बाद इसको ऑर्डर सब ऑर्डर फैमिली स्पीसीज इन सभी में डिवाइड किया गया है। तो ज़्यादा इनके वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम नहीं जाएंगे। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वायरस अर्थात तो वायरस का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंस ये है कि वायरस के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब यही है कि अगर इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं तो हम इसके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस इसका है कि ये हार्मफुल भी हो सकता है, जैसे क्रॉप के लिए हार्मफुल भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है, तो हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीज, जैसे लीफ कर्ल, टोमेटो हुआ, टोबैको हुआ, पपाया हुआ, इन सभी में जो लीफ कर्ल होता है तो ये जनरली पूछा जाता है, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो टोबैको पपाया, तो ये किसके कारण होता है, वो वायरल डिजीज के कारण होता है। येलो वेन मोजेक ऑफ लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर किसे बोलते हैं, लेडीज फिंगर आपका ओकरा अर्थात ओकरा का एक कॉमन नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है लेडी फिंगर। तो एक क्या नाम का कभी कभी इंटरव्यू में, एक बार आईएएस के इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लेडी फिंगर, लेडी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो यही होता है कि आधा नाम उसका बताया गया है और आधा नहीं। तो अब उसमें जो माइंड टेस्ट होता है कि लेडी का, तो वहाँ अगर जो नहीं जान रहा है कि ओकरा को लेडी फिंगर बोला जाता है तो उसमें लेडी के कौन सा फिंगर खाया जाता है, तो ये कह सकते हैं कि माइंड का जो है चेकअप होता है। तो ये ओकरा से रिलेटेड है। तो येलो वेन मोजेक जो होता है लेडी फिंगर अर्थात ओकरा में होता है। उसके अलावा पोटैटो मोजेक वायरस है, तो ये भी वायरल डिजीज है। उसके अलावा एनिमल में होता है, न्यूमोनिया हुआ, मम्स हुआ, फूट्स एंड माउथ डिजीज हुआ, ह्यूमन में भी आपका पोलियो हुआ, टाइफाइड्स हुआ। तो पोलियो टाइफाइड्स ये सभी क्या हैं, वायरल डिजीज हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। पोलियो वायरस वायरल डिजीज है, टाइफाइड्स हुआ। उसके बाद फूट एंड माउथ डिजीज जो होता है ये आपका एनिमल में होता है, ये भी क्या है, वायरल डिजीज है। तो ये क्या होता है कि हार्मफुल इफेक्ट है, ये डिजीज जो है फैलाते हैं। उसके अलावा है इकोनॉमिकल लॉसेस, डैमेजिंग रूट स्टेम लीव्स, तो ये इकोनॉमिकल लॉसेस करते हैं अगर आपका जो भी एंजियोस्पर्म है उसको इफेक्टेड करके। उसके अलावा क्या नाम का, ये मिल्क प्रोडक्ट को भी कह सकते हैं कि क्या नाम का हार्मफुल इफेक्ट देते हैं। और फेज ऑब्टेन किल द बेनिफिशियल माइक्रोजम ड्यूरिंग। तो अब हम बात करेंगे बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ की। तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ में हम स्पेस रिसर्च में वायरस का यूज करते हैं, जैसे रशियन फर्स्ट स्पेस जो गया था वो स्टॉक टू, ये रशिया का फर्स्ट स्पेस था तो वो स्टॉक टू। तो इसमें इन्होंने क्या है, रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में वायरस का यूज किया था, लाइसोजेनिक फेज जो वायरस का होता है, वायरस के जो लाइसोजेनिक फेज होता है उसको रेडिएशन डिटेक्टर के रूप में यूज किया था। उसके अलावा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, वायरस क्या होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जैसे ये पता होगा आपको एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमरफेसियंस, तो ये क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हम अर्थात एक कोई भी इम्पॉर्टेंट जो जीन है हम किसी एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करने के लिए,
किसका यूज करते हैं, वो वायरस का यूज करते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी वायरस का यूज है। और उसके अलावा ये स्कैंजर के रूप में भी होते हैं, ये क्या नाम का पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपका गंगा का जो पानी है, तो गंगा का पानी हमेशा पवित्र माना जाता है। उसके पीछे ये साइंटिफिक रीजन यही है, उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो अर्थात बैक्टीरियोफेज अर्थात वायरस, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिससे जो गंगा का पानी है वो पॉल्यूट नहीं हो पाता है। तो ये हो गया। उसके अलावा होल्डिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर, अर्थात तो वायरस एक ऐसा है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों मौजूद है। अर्थात अगर ये आपका, तो ये डिटरमिनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब ये होता है कि अगर ये आपका किसी ऐसे नॉन लिविंग मैटर में पड़ा है, तो वो उसमें लाख मतलब कई वर्षों तक उसमें पड़ा रह जाएगा, उसका ना रिप्रोडक्शन होगा ना उसकी ग्रोथ होगी। लेकिन अगर वो जब जीवित जीव में, अर्थात तो वो जीवित जीव में लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो एंटर करता है, तो वो उसमें जाके अपना रिप्रोडक्शन करता है। इसीलिए ये अर्थात मृत के रूप में और जीवित दोनों के रूप में पाया जाता है। तो अर्थात इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर इसमें दोनों पाया जाता है। तो वायरस का ये भी कैरेक्टर है, इसीलिए जैसे ये HIV वायरस हुआ, अदर प्लांट वायरस हुआ, तो इसीलिए बोला जाता है कि कंटामिनेशन जहाँ हुआ एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये पहुँचता है, तो ये इन्फेक्शन काज करता है। उसके अलावा है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो जैसे वैक्सीन हम वायरल जो डिजीज होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वैक्सीन, जैसे पोलियो का वैक्सीन हुआ, चेचक का, तो इन सभी का जो वैक्सीन होता है वो हम वायरस के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, इम्पॉर्टेंस हो गया। एक तो हार्मफुल इफेक्ट है डिजीज, डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट एनिमल में, मैन में, इन सभी में। उसके अलावा ये बेनिफिशियल हैं, बेनिफिशियल में इनको रिसर्च के रूप में भी यूज किया जाता है। उसके अलावा ये जेनेटिक रिसर्च में यूज किया जाता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रूप में ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा वैक्सीन के लिए। अब हम बात करेंगे, हमने अब अभी तक क्या देखा है, वायरस क्या है, वायरस के कैरेक्टर के बारे में हमने जान लिया कि वायरस का कैरेक्टर क्या होता है, वायरस की हिस्ट्री के बारे में जान लिया, वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया, और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है पूरा वायरस का चैप्टर, ये आधे घंटे एक घंटे का वीडियो होता है, आपने जैसे पेड ग्रुप ज्वाइन भी किया है तो 1 घंटे आपको देखना चाहिए। 1 घंटे अगर टाइम निकाल के देखेंगे, तो हमारी जो कोशिश है कि जितना वीडियो हम उपलब्ध करा देंगे, अगर आप 100% उसको एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं, तो आपके किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या कभी भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या नाम का, ये रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में इसमें बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियोफेज होता क्या है। तो जैसे बैक्टीरियोफेज को हेरल ने 1917 में डिस्कवर किया था, और वायरस पार्टिकल, अर्थात एक वायरस पार्टिकल जो होता है, जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के ऊपर क्या था, पैरासाइट था। तो ये वायरस क्या होता है, ये पैरासाइट हो जाते हैं। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइट रूप में रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो ये सबसे पहले डी हेरल ने जो खोजा था वो किसमें किया था, इंटेस्टाइनल अर्थात आंत की जो बैक्टीरिया थी उसके ये पैरासाइट के रूप में पाया गया था, एस्चेरिचिया कैली। तो ये आपका हो गया। ये टेडपोल इन, अर्थात ये टेडपोल शेप के होते हैं, और हेक्सागोनल, अर्थात टेडपोल शेप के, ये हेक्सागोनल प्रिज्म के टाइप के होते हैं। तो ये क्या होता है कि अभी देख लेते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है। तो ये देखिए, जैसे कि ये आपका बैक्टीरियोफेज है, एक आपका बैक्टीरियोफेज है, तो इसकी जो होगी ये विड्थ कह सकते हैं, ये 650 और एंगस्ट्रॉम, और इसका जो लेंथ होता है, लेंथ जो लंबाई होगी वो 950। तो ये क्या होता है आपका 650, और लेंथ जो होगा आपका ये लंबाई 950 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, ये जो है यही है आपका हेक्सापोडल, हेक्सापोडल ये आप देख रहे हैं हेक्सापोडल शेप में है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हेड। अब हेड के अंदर आपका क्या मौजूद है, DNA मॉलिक्यूल, हेड के अंदर आपका DNA, ये डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। उसके अलावा
आपका ये जो हो जाएगा सीथ है, ये जो ब्लैकिश कलर का है ये क्या है आपका सीथ है, और बीच में जो ये नली नुमा है इसको हम क्या बोलते हैं कोर। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज हो गए, और इस टोटल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं टेट। तो अर्थात आपका एक बैक्टीरियोफेज में हेड पाया जाएगा, अर्थात बैक्टीरियोफेज में क्या पाया जाएगा एक ये हेड पाया जा रहा है, उसके अलावा ये आपका टेल हो गया, उसके बाद ये बेसल प्लेट है जिससे आपका हेड कह सकते हैं कि जिससे आपका टेल जो है टेल फाइबर्स लगे हुए हैं, ये क्या नाम का छह जो है 6 टेल फाइबर्स 3 जोड़े में पाए जा रहे हैं, तो ये आपका टेल फाइबर हो जाएगा। तो अर्थात एक बैक्टीरियोफेज में आपका हेक्सागोनल हेड होता है, उसके अलावा क्या होता है जिसमें डीएनए होता है, उसके अलावा आपका एक टेल होता है जिसमें आपका कोर और सीथ है, उसके अलावा इसमें जो है बेसल प्लेट्स और टेल फाइबर पाया जाता है। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर है T2 फेज में। तो ये आपका बैक्टीरियोफेज हो गया। तो बैक्टीरियोफेज के बारे में ये कह सकते हैं कि हेक्सागोनल प्रिज्म होता है 950 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग और 650 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है, और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, अर्थात इस बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो ये आपका हो गया क्या नाम का बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरियोफेज में अगर रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मल्टीप्लाई आर रिप्लिकेट ओनली इन साइड द होस्ट सेल, ये एक सॉरी बैक्टीरिया कह रहे हैं वायरस का, सॉरी वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वायरस में जो रिप्रोडक्शन है वो क्या नाम का मल्टीप्लाई या रिप्लिकेट ओनली इन साइड द होस्ट सेल, अर्थात जो वायरस होता है वो केवल क्या नाम का लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर सकता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को हम क्या लाइफ साइकिल को हम बैक्टीरियोफेज के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसमें 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है अटैचमेंट, अर्थात फर्स्ट जो होता है वायरस पार्टिकल जो होता है वो क्या नाम का जो आपका बैक्टीरियल पार्टिकल है बैक्टीरिया से अटैच होगा, उसके बाद क्या करेगा पेनिट्रेशन, अर्थात उसको पेनिट्रेट करेगा, अर्थात बैक्टीरियल सेल को ये पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद रिप्लिकेशन एंड सिंथेसिस, अर्थात वो पेनिट्रेट करके उसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर वो क्या नाम का वायरस पार्टिकल एंट्री कर लेता है, एंट्री करने के बाद वो अपना वहाँ से रिप्लिकेशन करेगा और सिंथेसिस करेगा, अर्थात जब रिप्लिकेट करेगा तभी तो वो उसकी संख्या बढ़ेगी, उसके बाद रिप्लिकेशन के बाद वो असेंबलिंग, अर्थात जो आपका आरएनए है या डीएनए है या प्रोटीन है वो रिप्लिकेट होने के बाद क्या नाम का फिर से असेंबलिंग होते हैं, फिर से उसमें जैसे कि बैक्टीरियोफेज में हेड हुआ और क्या नाम का टेल हुआ टेल फाइबर्स हुआ पाए जाते हैं, उसी हिसाब से फिर से वो असेंबल हो जाते हैं और फिर वो रिलीज होके एक नया वायरस बन जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाता है। तो इस तरीके से क्या नाम का इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है वायरस में। तो डुप्लीकेशन साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज अकर इन 2 वे, अर्थात डुप्लीकेशन जो बैक्टीरियोफेज में होता है वो 2 वे प्रोसेस है, अर्थात इसमें 2 तरीके का होता है, एक तो लाइटिक पथवे है और एक लाइसोजेनिक पथवे है। अब लाइटिक और लाइसोजेनिक पथवे में डिफरेंस होता है, कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में इसमें पूछा जाता है। तो बैक्टीरियोफेज जो T2 फेज में पाया जाता है तो इसमें कह सकते हैं कि देखिए एक ये है घोस्ट या डट नट बोला जाता है, तो इसको क्या बोलता है कि कह सकते हैं कि T2 फेज इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल लीविंग द पोर्शन कोट आउटसाइड द बैक्टीरियम, अर्थात जो बैक्टीरियम का आउटसाइड का पोर्शन होता है तो उसको हम घोस्ट या डटनर बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफेज सच एज T2 फेज इंजेक्ट देयर जेनेटिक मटेरियल, अर्थात ये क्या करता है कि वो उनके जेनेटिक मटेरियल में जो है वो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो वायरस के जेनेटिक मटेरियल में क्या करता है कि एंट्री करता है होस्ट सेल के, और लीविंग द पोर्शन कोट आउटसाइड द बैक्टीरियम, अर्थात और बैक्टीरियम का जो आउट पोर्शन होता है उसको हम छोड़ देता है, तो उसको हम होस्ट के रूप में जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे आपका अभी देख ये आगे है जैसे कि ये आपका है बैक्टीरिया है, ये आपका कहेंगे कि पूरा बैक्टीरिया है बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या हुआ कि ये एंट्री कर रहा है, तो एंट्री करने के बाद ये देख रहे हैं इसका जो वायरल जीनोम है वायरल जो जीनोम है वायरल पार्टिकल है वो क्या हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर एंट्री कर गए, बाकी इसका जो कैप्सिड अर्थात जो प्रोटीन कोट है वो बाहर ही रहता है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं घोस्ट या डटनेट बोलते हैं।
तो यही चीज़ है। तो अब इसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक पथवे में डिफरेंस क्या होता है, तो अगर इसकी बात हम करें लाइटिक पथवे और लाइसोजेनिक पथवे में, तो इन दिस केस वायरल जेनेटिक इन्फेक्शन में ये बात होती है कि लाइटिक पथवे में अगर हम देखेंगे, लाइटिक पथवे में ये सिंपल सा प्रोसीजर अगर देख लेते हैं कि क्या हुआ, वायरस ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वायरस जो है, बैक्टीरियोफेज जो है अर्थात वायरस जो है, वायरस अब आपका एंट्री करेगा, ये पहले क्या किया, अटैच हुआ, ये आपका बैक्टीरियम से अटैच होगा, अटैच होने के बाद क्या करेगा, पेनिट्रेशन, सेकेंड स्टेज क्या है, पेनिट्रेशन करेगा, तो वायरस पार्टिकल अटैच एंड जेनेटिक मटेरियल इनटू होस्ट, अर्थात ये जेनेटिक मटेरियल जो होस्ट का है तो वो एंट्री कर जाएगा और ये डेटोनेट हो जाएगा या घोस्ट हो जाएगा, और उसके बाद अटैच एंड पेनिट्रेशन, उसके बाद सेकंड क्या, थर्ड स्टेप क्या था, रिप्लीकेशन, अर्थात तो वायरल जो डीएनए है अब ये आपका क्या है, वायरल डीएनए है और ये क्या है, बैक्टीरिया, तो वायरल और बैक्टीरियल डीएनए जो है क्या होंगे, वो रिप्लिकेट करेंगे और सिंथेसिस होगा, अर्थात रिप्लिकेशन का मतलब क्या है कि एक से अधिक प्रतियां, अर्थात वो अपनी एक से अधिक प्रतियां बनाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ कि तो इसमें बस अंतर ये होता है कि ये क्या रिप्लिकेशन, वायरल डीएनए और क्या नाम का जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो दोनों रिप्लिकेट, क्या कह सकते हैं कि उनका जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली अर्थात स्वतंत्र रूप से, ये भी अपना स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन कर रहा है और बैक्टीरियल वायरस अपना स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन कर रहा है, यही मेजर डिफरेंस होता है लाइटिक और लाइसोजेनिक में, अभी लाइसोजेनिक देखेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वायरल प्रोटीन जो न्यूक्लियस है वो असेंबल हो जाएगा इंटू कोट, और डीएनए में असेंबलिंग हो गई और नया जो होता है आपका ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल वायरस बन गया है। तो अब इस बैक्टीरियल वायरस में क्या होगा कि इसमें जो एक पिछला वायरस था और जो बैक्टीरियल था, बैक्टीरिया का जो क्या नाम का जेनेटिक मटेरियल था और जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, दोनों एक दूसरे में क्या नाम का मिक्स हो गए, तो ये हो जाता है। अब इसके बाद क्या कहेंगे कि ये आपका फिर रिलीज करेगा लाइसिस द होस्ट सेल इंडिविजुअल इन्फेक्शियस पार्टिकल, उसके बाद ये आपका रिलीज हो जाएगा, तो ये बैक्टीरियोफेज हो गए। तो अब क्या नाम का बैक्टीरियोफेज, इसी से इसका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे लाइसोजेनिक पथवे, तो लाइसोजेनिक पथवे में क्या हुआ, क्या नाम का अट्रैक्शन होगा, मतलब अटैच करेगा, अटैच किया और पेनिट्रेशन किया, दोनों चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अब इसमें क्या होगा कि वायरल डीएनए यूजुअली बिकम इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोजोम, यही मेजर डिफरेंस होता है कि लाइटिक पथवे में वायरल डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल डीएनए से इंट्रीगेट, अर्थात वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, वो एक दूसरे में क्या नाम का मिलते नहीं, वो एक दूसरे में जुड़ते नहीं हैं, इंट्रीगेट नहीं होते हैं, एकीकृत नहीं होते हैं, लेकिन आपका लाइसोजेनिक पथवे में क्या होता है कि वायरल डीएनए यूजुअली बिकम इंटीग्रेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोजोम, यही डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना है। लाइसोजेनिक पथवे में ये कभी कभी पूछ दिया जाएगा कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है, लाइसोजेनिक पथवे में जो वायरल डीएनए है वो इंटीग्रेट हो जाएगा बैक्टीरियल क्रोमोजोम से, और लाइसोजेनिक पथवे में ये क्रिया नहीं होती। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक फिजन होगा क्रोमोजोम, और इसमें इंटीग्रेटेड जो वायरल है डीएनए है, इंटीग्रेटेड अर्थात इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए, तो इंटीग्रेटेड वायरल डीएनए में आपका जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है वो भी पाया जाएगा, तो वो दोनों रिप्लीकेट करते हैं, अर्थात दोनों एक साथ रिप्लीकेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि बाइनरी फिजन क्रिया होती है, बाइनरी फिजन क्यों होगा, उसके बाद आपके जो है डॉटर सेल बन जाएंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अर्थात डॉटर सेल बन गए और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये है कि अब इसमें आपका बैक्टीरियल डीएनए भी है और वायरल डीएनए अर्थात दोनों का डीएनए मौजूद है। उसके बाद इसमें क्या होगा कि वायरल डीएनए जो है वो क्रोमोसोम से निकलेगा और एक्साइज फ्रॉम द क्रोमोसोम, अर्थात वायरल डीएनए जो होता है वो आपका क्रोमोसोम से निकल जाएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, रिप्लिकेशन की क्रिया होगी, अर्थात अब इस वायरल जो डीएनए है, जो ये वायरल डीएनए है इसमें बैक्टीरियल के डीएनए भी पाए जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, वायरल डीएनए रिप्लिकेट एंड सिंथेसाइज, अर्थात वायरल डीएनए जो होगा वो रिप्लिकेट होगा, सिंथेसाइज होगा, फिर वही क्रिया होगी कि असेंबलिंग क्रिया होगी, और असेंबलिंग होने के बाद नया जो है आपका वो बैक्टीरियोफेज वायरस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसका जैसे रिकॉम्बिनेशन में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि हमें कोई भी कैरेक्टर
ट्रांसमिट करना है, तो हम उस जो बैक्टीरियल वायरल है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई रिप्रोडक्शन। तो ये मेजर क्या है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वायरस में रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे होती है, ये चीज़ें आपने जान ली कि वायरस में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बैक्टीरियोफेज के माध्यम से होता है। बैक्टीरियोफेज किसने दिया, डी हैरल ने दिया। बैक्टीरियोफेज क्या है कि बैक्टीरियोफेज जो होता है कि एक वायरस जो होता है, वायरस वो बैक्टीरिया के अंदर पैरासाइट रूप में रहता है और उसके अंदर जो है वो अपना रिप्लिकेशन करता है, उसके अंदर ही वो अपना रिप्लिकेशन करता है, उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अब बैक्टीरियोफेज के दो फेजेज हो गए, लाइसोजेनिक और क्या नाम है, लाइटिक और लाइसोजेनिक। लाइटिक फेज में बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए नॉट, अर्थात तो बैक्टीरियल एंड वायरल जो होता है डीएनए क्रोमोसोम वो इंटीग्रेट नहीं होते, जबकि लाइसोजेनिक में उनके बीच इंटीग्रेशन होता है, वो एक दूसरे से एकीकृत हो जाते हैं। बस यही मेजर डिफरेंसेस है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हैं, जैसे कि एड्स हुआ, तो इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम वैसे पता होगा। एच आई वी हुआ, एच आई वी को ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस कहते हैं, तो ये कभी कभी पूछा जाता है एच आई वी इन्फेक्टेड। तो ये एच आई वी किसको इन्फेक्टेड करता है, टी लिम्फोसाइट्स, अर्थात जो आपका टी लिम्फोसाइट होता है उसको जो है ब्लड सेल्स जो पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स टी वाइट, तो वो टी लिम्फोसाइट को जो है वो इफेक्टेड करता है और ये प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड किल द इन्फेक्टेड बाई वायरस, अर्थात इसमें जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बीइंग में वो एच आई वी के द्वारा क्या होता है, वो किल कर दिया जाता है। और ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एच आई वी वायरस जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिट्रो वायरस, तो इसीलिए हम इसको रिट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका हो गया एच आई वी क्या है, एच आई वी और एड्स दोनों अलग है। एच आई वी के लास्ट स्टेज जो होता है वो एड्स होता है। उसके बाद वायराइड्स हुआ, तो वायराइड्स भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, वायराइड्स किसे कहते हैं, तो आरएनए विदाउट ए कैप्सिड, अर्थात जो केवल नेक्ड आरएनए, अर्थात नेक्ड आरएनए इज नोन एज अर्थात वायराइड्स, अर्थात जब आरएनए हो और वो आपका कैप्सिड अर्थात प्रोटीन की लेयर से कवर ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायराइड बोलते हैं। और ये टीओ डेनियर ने दिया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर में, एक तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कौन सा डिजीज हो गया, तो ये वायराइडल डिजीज हो गया, वायराइड्स के द्वारा होता है, वायराइड्स क्या होते हैं, आरएनए विदाउट कैप्सिड दूसरा क्वेश्चन हो गया, और इसको किसने डिस्कवर किया था, टीओ डेनियर, ये हो जाएगा। इसके अलावा है सेटेलाइट वायरस किसे कहते हैं, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल यूजली 500 से कह सकते हैं 2000 न्यूक्लियोटाइड इन ए लेंथ है, तो ये जो होता है वो सेटेलाइट वायरस कह सकते हैं कि दे लैक जीन रिक्वायर फॉर देयर रिप्लीकेशन, दे आर नोन एज इनकम्प्लीट वायरस, अर्थात सेटेलाइट वायरस को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट वायरस के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा इंटरफेरेंस हुआ, इंटरफेरेंस जो होता है वो कह सकते हैं सेल ऑफ हायर एनिमल आफ्टर द इन्वेजन ऑफ वायरस प्रोड्यूस ए प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरन, अर्थात जो हायर एनिमल होते हैं उनमें जो है वायरस के इन्वेजन की वजह से एक प्रोटीन रिलीज होता है, उसी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरन बोलते हैं। और ये जो होता है ब्लड स्ट्रीम के, मतलब ब्लड में जो होता है वो रिलीज होता है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है सेटेलाइट वायरस क्या है या इंटरफेरेंस क्या है, ये वायराइड्स पूछा जाता है, वायरियन ए सिंगल वायरस पार्टिकल, ए यूनिट आप कह सकते हैं कि वायरस पार्टिकल इज नोन है वायरियन, तो ये आपको याद रखना है सिंगल यूनिट ऑफ वायरस, तो ये आप 100% याद रखेंगे वायराइड्स क्या है ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा वायरस टेस्ट के लिए हम एलिशा, एलिशा टेस्ट इम्यूनो एंजाइम SL कह सकते हैं, तो एलिशा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो वायरल डिजीज डिटेक्शन के लिए एलिशा टेस्ट किया जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये मेजर वायरस हो गए, इसका इम्पोर्टेंस हमने देख लिया है, इसके क्लासिफिकेशन देख लिया है, इसका रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, जनरल कैरेक्टर, जनरल स्ट्रक्चर, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने इस वीडियो में स्टडी की। तो हमें लग रहा है कि वायरस के बारे में जो है ये कंप्लीट वीडियो हो गया है। और अब इसके कुछ मेजर जो क्रॉप होते हैं, कौन कौन से क्रॉप ऐसे हैं, जैसे लीफ कर्ल ऑफ पपाया,
टोबैको, ये सभी जो हैं। तो क्रॉप के बारे में अलग वीडियो देखा जाएगा, पहले हम वायरस के बारे में जैसे आज देख लिए, उसके बाद हम बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे, फिर फंगस के बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर हम जो मेजर क्रॉप हैं उनमें कौन कौन सी डिजीज लगती हैं, किसकी वजह से लगती हैं, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे।